तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा वो काफ़ी ब्रीफ सा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए। तो बेसिकली उसमें सिर्फ हम एनर्जी और कार्बन बैलेंस की बात करेंगे, और हम देखेंगे कि उनकी जो उनके चेंज होने से, यानी उनकी क्वांटिटी के चेंज होने से, उनका बजट डिस्टर्ब होने से, जो क्लाइमेट चेंज है या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या ग्लोबली जो टेम्परेचर में चेंज या डिक्रीज आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर हमारा जो इकोसिस्टम है वो उससे जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि क्योंकि जैसे कि ये एनर्जी और कार्बन बैलेंस की हम बात कर रहे हैं कि वो हमें किस तरह से क्लाइमेट चेंज को जो है वो इफेक्ट करेगा। तो अगर आप लोग एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी बजट है, सोलर एनर्जी जो भी हमारे पास सन से आ रही है, अगर हम उसको कंसीडर करें कि हमारे पास वो 100% एनर्जी आ रही है, तो ऑब्वियसली वो जब सन पर वो जो एनर्जी पर सन से जो एनर्जी अर्थ पे पड़ती है, अर्थ के सरफेस पे आती है, तो डिफरेंट पर्पसेस हैं उसके जिसके लिए वो यूज़ करते हैं। यानी एटमोसफेयर एक पोर्शन है, यानी जो अर्थ के डिफरेंट पोर्शन हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं उस एनर्जी को। एटमोसफेयर उसको यूज़ करता है, क्लाउड यूज़ करते हैं, अर्थ की सरफेस यूज़ करती है, तो उसका कुछ पोर्शन जो है आपकी सोलर एनर्जी का वो तो एटमॉस्फेयर और क्लाउड में अब्जॉर्ब होता है, यानी उसे वो जज्ब कर लेते हैं, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन जो है उसको, बल्कि उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वो उनकी सरफेस से टकरा कर वापस जो सन है या एटमॉस्फेयर में वापस जो है वो चला जाता है, यानी वो उसको अपने साथ जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर इस पिक्चर से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है 100% आ रही है, अब उसको फर्दर उसकी डिवीजन है कि जी 6% उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी एटमॉस्फेयर पे टोटल अगर जैसे ये 6% रिफ्लेक्ट कर रही है और 16% जो है वो एटमॉस्फेयर जो है उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर आप 16 और 6 को प्लस कर रहे हैं तो वो बनता है 16 और 6 को, तो वो हमारे पास बनता है 22। तो अगर आप 22% यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर पड़ेगी, तो जब एटमॉस्फेयर के ऊपर ये एनर्जी आएगी तो उसमें से 16% तो वो उसको अब्जॉर्ब करती है लेकिन रिफ्लेक्ट करी है 6%। इसी तरह जो क्लाउड्स हैं, जो कि नेक्स्ट पोर्शन है, उसमें भी इसी तरह है हमारे पास के जो क्लाउड्स में 3% है वो तो अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो उसकी 20% है, यानी ज़्यादातर उसका जो पोर्शन है क्लाउड में, वो उसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी तरह हमारी जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसमें से जो 4% है वो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अर्थ सरफेस से। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग।
जी, तो हम जो है एनर्जी बजट की बात कर रहे थे कि कुछ पोर्शन जो है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होता है और वो 4% है, और बाकी जो हमारे पास पोर्शन है, कुछ पोर्शन जो है वो लैंड और ओशंस जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो वहाँ करके भी जो फाइटोप्लांक्टोन्स हैं, जो इस तरह के प्लांट्स हैं जिन्होंने अब्जॉर्ब करनी है हीट, जिन्हें अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए, जो लैंड पे भी मौजूद है और ओशंस पे भी मौजूद हैं, वो जो इस तरह के प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो 51% यानी 100% में से ऑलमोस्ट जो 50% है वो हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लैंड और ओशन के लिए उसके थ्रू जो है वो अब्जॉर्ब होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास ये जो रेड पोर्शन है उसमें वो हमारे पास है कि कंडक्शन और राइजिंग एयर से जो है, यानी वो जो एयर अपने साथ जो है उसको ले जाती है कंडक्शन, एटमोसफेयर में जो प्रोसीजर हो रहे हैं राइजिंग एयर और कंडक्शन के, वो जो है 7% उसमें भी हमारे पास एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। इसी तरह 64% बहुत बड़ा जो इसका पार्ट है रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम क्लाउड्स एंड एटमोसफेयर, यानी टोटल अब वो 64% बनता है, यानी उन्होंने 16, 3, 7 इनको ऐड करके तो 64%, साथ ही उन्होंने ये भी 23% ये भी ऐड हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जो कि क्लाउड्स और एटमोसफेयर से जो लेटेंट हीट है, यानी जो वेपर्स की फॉर्म में जो हीट एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है वो भी फिर आपके पास रेडिएट होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर स्पेस में और क्लाउड्स में और एटमोसफेयर में जाती है। तो ये जो है यानी ये कंडक्शन और ये जो क्लाउड्स में जो लेटेंट हीट वेपर्स की है वो वाली, और इसी तरह जो फर्दर जो हमारे पास ये वाली है रेडिएटेड यानी इसमें जा रही है वो 64% है, इस सबको उन्होंने जो है वो प्लस करके जो है वो 64% बना है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करता है वो 15% है। इसी तरह जो जो डायरेक्टली यानी जिसका कोई भी ताल्लुक जो किसी भी उससे टकरा कर या किसी से कांटेक्ट में आए बगैर जो डायरेक्टली स्पेस से अर्थ में जाती हैं वो 6% है, यानी अर्थ से वो डायरेक्टली जो स्पेस में चली जाती हैं जो फर्दर यूज नहीं हो रही वो 6% है। अब इसका पर्पज़ ये है कि ये एक ऑफिशियल एक पर्पज़, ये एक नेचुरल एनर्जी बजट है जो कि इस तरह से वर्क करता है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ऑब्वियसली उसमें जो ज़्यादातर पार्ट है वो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी सोर्स है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का, तो उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास जो अर्थ का टेम्परेचर है या ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज है सन की वो डिस्टर्ब होती है, वो डिस्टर्ब होने से ग्रीन हाउस गैसेस इस एनर्जी को, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को जो सन से आ रही है उनको ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप करती हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती हैं, तो वो इस ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक बड़ा सोर्स जो हम कार्बन बैलेंस की या कार्बन बजट की बात करते हैं, तो वो अर्थ में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ज्यादातर मौजूद होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, यानी एक मैनमेड सोर्स है जो कि हमारे पास ये जितने भी हम एसी रेफ्रिजरेटर्स और इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उन सब में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, तो ये जो कार्बन है ये हमारे पास जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद होती है। तो इसका एक जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्दर अगर हम कह सकते हैं कहाँ से रिलीज होती है, फॉसिल फ्यूल्स में, पावर में, हीट प्रोडक्शन में, यानी जो भी व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रही है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होती है एनवायरमेंट में, तो ये हमारे पास एक बहुत ही एक बड़ा एक कंट्रीब्यूट करता है। तो एनर्जी और कार्बन का ये आपस में कनेक्शन है कि जब कार्बन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो जो एनर्जी बजट में जो भी एक नेचुरल रूल है कि इतने परसेंट जो है अब्जॉर्ब करनी है, इतने परसेंट रिफ्लेक्ट बैक करनी है, वो जो एनर्जी बजट है वो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू दिस कार्बन बैलेंस, ये डिस्टर्ब होता है, तो इसकी वजह से जो है हम जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे पास क्रिएट होती है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कनेक्टेड हैं, ये इंटरलिंक्ड हैं जिसको आज हम देख रहे हैं। तो फर्दर जो है हमारे पास ये कि एटमोस्फेरिक जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड के वो हमारे पास जो है जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ईयर्स जो है वो 6,000 ईयर्स से भी 600,000 ईयर्स से, यानी उसकी कंसंट्रेशन लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, जो एक नेचुरल रेंज है आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन जो है उनसे एक्सीड करती जा रही है। अगर हम जो है ये इनकी
कंसंट्रेशन की बात करें तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, कि अगर हम उसकी बात करें कि बिफोर 2005 उसकी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू के मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड से, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की देखें कि 10,000 तक स्केल जा रहा है, उसके बजाय हमारे पास जो नाइट्रस ऑक्साइड और बाकी है वो 2,000 तक। यानी बेसिकली जो हमारे पास बात ये है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन बैलेंस की बात करते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अगर आप इसको देखें, उन्होंने इसको मजीद जूम करके ये जो एक सडन सा पीक आया है उसको उन्होंने फर्दर जो है वो मजीद दिखाया कि इस तरह से इसको आप इलाबरेट कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पीक जो है कुछ 30 सालों में, जो 1800 से जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, तो ये जो पीक है ये बढ़ती जा रही है, और 2000 के बाद जो ये पीक है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स की हर कोई किसी के पास अपनी ऑटोमोबाइल है, व्हीकल है। इसी तरह हर घर में आपको मोस्टली आपको 60-70% घरों में आपको एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेटर्स इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो ऑब्वियसली ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। इसी तरह अगर आप इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, अगर आप इसको टेम्परेचर की फॉर्म में लेकर जाएं कि उसकी टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, तो वही कि 2000 में क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ग्रीन हाउस गैसेज की, तो वो जो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास मौजूद है इन आफ्टर 2000, क्योंकि जो इंसान की जो यूटिलाइजेशन है, उसकी जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये जो पीक्स हैं ये आफ्टर 2000 ईयर यानी 2000 के बाद जो भी डेकेड है इसकी जो कंसंट्रेशन इनकी और टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है इसी वजह से। अब इसको फर्दर अगर हम एलैबोरेट करें तो इन चीज़ों का जो क्लाइमेट चेंज पे ऑब्वियसली इसका इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, इन पे कोई इफेक्ट, इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो उन्होंने बताया कि उसकी वजह से जो फर्स्ट उन्होंने उसको बताया कि ये हमारे पास फिनोमेना है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड है, यानी क्या क्या उसकी वजह से हो सकता है कि आया जो अगर आप फर्स्ट इसको देखें तो वो बता रहा है कि वार्मर एंड फ्यूअर कोल्ड डेज, यानी आपके पास जो सर्दियां हैं वो उनका टेम्परेचर भी अब इतना ज़्यादा वो ठंडी नहीं होंगी। जैसे अगर आप अपनी ही एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान के हम एग्जाम्पल लें, तो अब बहुत ही कम ड्यूरेशन हो गया सर्दियों का, और उसमें भी टेम्परेचर पहले जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर, यानी अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस या -1 -2 तक अगर जाता है, तो वो आपके पास अब जो है वो 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक सर्दियों में भी रहेगा। तो वो क्या है कि वार्मर यानी जो सर्दियां हैं वो भी आपके पास जो है उनमें भी टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो गया, पहले कम होता था टेम्परेचर -1 -2 -3, तो अब वो जो है वो माइनस में नहीं जाता, या वो कुछ इलाकों में वो 1 डिग्री 2 डिग्री तक ही रहता है, पहले हालांकि वो माइनस में जाता था, और कम हो गई है सर्दियाँ आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड में उसको देखें तो वो उसको बता रहा है कि हमारे पास जो हॉट डेज हैं वो और ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे गर्मियों का मौसम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हमारे पास जो उसके बाद हीट वेव्स हैं, जैसे आप कराची में भी हीट वेव्स और वार्म स्पेल्स का सुनते हैं कि गर्म हवाएं बहुत चलती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, और उनको तो इस तरह की जो सारी इसकी जो है वो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। इसी तरह हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन है या ड्रॉट्स हैं या कुछ जिसे हम खुश्काली कहते हैं, या हमारे पास जो इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, यानी जो हवा की जो एक हमारे पास आपके गर्म हवाओं के साइक्लोन चलते हैं, ठीक है, लो प्रेशर की वजह से, तो वो भी उनकी भी कंसंट्रेशन में, उनकी भी वैल्यूज में जो है हमारे पास चेंजिंग आती है उसकी वजह से। इसी तरह जो हाई सी लेवल है, यानी अगर आप देखें तो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलते हैं, तो आपके पास जो रिवर्स हैं या आपके पास जो समुंदर हैं या ओशंस हैं, उनका जो वो उनमें जो लेवल है पानी का वो बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने से वो पानी बहता हुआ इन्हीं रिवर्स में और सीज में और ओशंस में जाता है, और उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो उसका मतलब है कि ये सब उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सैलाब सुनामी आते हैं वो उसके अलावा भी जो है वो हाई सी लेवल बढ़ जाता है। एक तो है कि आपके पास वो सुनामी आता है कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो सैलाब या जिलजिले सॉरी सैलाब आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं
कि वो हाई सी लेवल बढ़ने की वजह से, ठीक है, यानी कि रिवर्स में पानी ज्यादा होने की वजह से, ये बारिशों की वजह से नहीं आ रहे, ये ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से हो रहे। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट होती हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और अगर आप उसके आगे ये जो तीन इसके पोर्शन है वो ये बता रहे हैं कि उसके क्या चांसेस हैं उसके अकरंग की, ये प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, उसका लाइकलीहुड बता रहे हैं, ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ये जो आपके पास 20th सेंचुरी यानी पोस्ट 1960 जो है ये काफ़ी हद तक वेरी लाइकली का मतलब ये है कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और जो आपके पास 21st सेंचुरी की अगर आप बात करें, वर्चुअली सर्टन यानी ये काफ़ी हद तक ये 90% तक ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और वेरी लाइकली यानी ये ऑलमोस्ट 80 to 90%, और वर्चुअली सर्टन का मतलब है 99% ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, और लाइकली का मतलब है कि अप टू 60-70% जो है ये चीज़ आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज़ को उन्होंने आगे फर्दर जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि हमारे पास जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं उसके किस तरह से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम पर आ सकते हैं। अब उन्होंने कहा है वर्चुअली सर्टन की अगर आप बात करें यानी ग्रेटर देन 99% की, तो जो यील्ड्स हैं आपके पास कोल्डर इन्वायरमेंट में वो बढ़ जाएंगी, लेकिन जो गर्म इन्वायरमेंट वार्मर इन्वायरमेंट्स हैं उसमें जो आपके पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो लो हो जाएंगी, ठीक है। यानी उनकी जो यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया तो आपकी जो रिक्वायरमेंट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं या आपके पास जो दरख्तों का उगना है या उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, यानी वो चेंज हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो ये जो है ये आपके पास एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। इसी तरह आपके पास जो इंसेक्ट आउटब्रेक है वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो इंसेक्ट के लिए, इस तरह के इंसेक्ट जो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो फॉरेस्ट्री में या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो कि फसलों को तबाह कर सकती हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को ही डिस्टर्ब करेंगी। इसी तरह अगर आप वेरी लाइकली यानी 90 to 90% 99% चांसेस में देखें तो आपके पास जो इंक्रीज डेंजर ऑफ वाइल्ड फायर यानी जो आपके पास दरख्तों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड फायर्स का आपने नाम सुना होगा, अमेजोन फायर्स का नाम सुना होगा, तो इस तरह के जो फायर्स हैं उनमें ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो ऑस्ट्रेलिया और क्योंकि खुश्क इलाके हैं उनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से फिर दरख्तों में आग लग जाती है, तो ये इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अप टू 90 to 99%। इसके अलावा आपके पास क्रॉप्स को डैमेज होंगी, ऑब्वियसली अगर जो आपके पास आग लगने का खतरा है तो वो डैमेज भी होंगी, उसके पास सॉइल इरोजन होगी यानी आपके पास सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो आपके पास कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पास दोबारा आप उसको कल्टिवेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही है तो भी आप अपनी लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप उस पे जो आपकी फसल है वो खराब होगी, क्रॉप्स डिस्टर्ब होंगी। इसी तरह आपके पास जो 60 to 99% चांसेस हैं कि आपके पास जो साइक्लोन एक्टिविटीज़ हैं वो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी, यानी इस तरह के वो तेज़ हवाओं के जो झक्कड़ जिनको बोलते हैं साइक्लोन्स होते हैं वो आपके पास चलते हैं, तो वो आपके पास ट्रीज जो हैं, क्रॉप्स जो हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है, स्पीशीज है, उनको उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। इसी तरह आपके पास हाई सी लेवल क्योंकि बढ़ जाता है तो आपके पास जो फ्रेश वाटर सिस्टम है यानी सी लेवल बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे वो नमकीन होते हैं, तो जब उसमें पानी आपके पास वो बहता हुआ जो स्ट्रीम्स और रिवर्स और लेक्स में जाएगा तो ऑब्वियसली वो सेलिनिटी जो है वो फ्रेश वाटर सिस्टम है उनसे आप पानी ले सकते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए, तो जब वो सलाइन हो जाएंगे तो फिर आप फ्रेश वाटर वो नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको फर्दर ट्रीटमेंट, अगर आप उसको एज अ रिसोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना चाहते हैं आप उसको, लेकिन आप उसको नहीं कर सकेंगे, उससे पहले आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके पास मिक्सिंग हो गई है जो ग्लेशियर वाटर है उसकी जो कि सलाइन होता है। इसके अलावा इसी तरह फर्दर अगर आप इम्पैक्ट्स की बात करें कि वाटर रिसोर्सेज पर उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो जो वही बात कि स्नो मेल्ट करेगी तो उसकी वाटर सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरह हमारे पास वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अल्गल ब्लूम्स बन सकते हैं यानी अल्जी के डिफरेंट पैचेस बन सकते हैं, और क्योंकि आपके पास जब पानी की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी उसके अंदर कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स आ जाएंगे
तो आपके पास जो ये अल्जी हैं उनके डिफरेंट पैचेस आपके इन वाटर बॉडीज में बन जाते हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन भी आप कह सकते हैं। इसी तरह एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं आपके पास, क्वालिटी ऑफ सरफेस मुतासिर होगी, ग्राउंड वाटर अगर मुतासिर होती है तो वाटर स्कैसिटी होने के चांसेस होते हैं, यानी आपको पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह आपके पास जो वाटर स्ट्रेस है, यानी जब आपके पास वाटर स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपके पास जो फिर एक ही जो रिसोर्स आपके पास बच जाएगा उसके ऊपर ही सारी पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, तो उसकी जब एक ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अगर तो 2 से 3 सोर्सेज पर डिपेंड कर रही है तो वाटर स्ट्रेस नहीं आता उन बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे। लेकिन अगर एक ही सोर्स बचा आपके पास फ्रेश वाटर का और उसी पे अब सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है जो उसके आसपास रहती है, तो वाटर स्ट्रेस आ जाता है उस बॉडी के ऊपर, उसमें भी जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और फिर वो आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं करता। इसी तरह आपके पास अगर कोई पावर के इश्यूज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो जाते हैं, तो वो भी आपके पास, यानी अगर आपकी कंजम्पशन एनर्जी कार्बन की इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब आप इतने ज़्यादा पावर को यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी भी बेसिकली एनर्जी की ये एक फॉर्म है, तो हमारे पास जो है वो पब्लिक वाटर सप्लाई, जब आपके पास पावर ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो डैम्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे, तो आपके पास पानी जो है पीछे उनमें ही लेवल कम होगा, तो आपके पास पानी की जो सप्लाई है वो फर्दर आपके पास जो सिस्टम है वो काम, पब्लिक वाटर सप्लाई के वो काम नहीं करेंगे। इसी तरह फिर से वही बात कि सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाती है, जो ग्लेशियर वाटर है या सी लेवल वाटर जो है मिक्स हो जाता है आपके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में, जिसमें आपके रिवर्स और ट्रीज शामिल, रिवर्स और स्ट्रीम शामिल है, तो आपके पास जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी में कमी हो जाती है। इसी तरह वो ह्यूमन हेल्थ पे भी आपके पास ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इफेक्ट करेंगी, तो उसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो ठंडा, क्योंकि जहाँ पर एक्सपोजर होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, वहाँ पर तो उसकी तो मोर्टैलिटी कम होगी, लेकिन जो कि हीट रिलेटेड मोर्टैलिटी, यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मोर्टैलिटी होती है उसका रिस्क बढ़ जाता है, यानी इस तरह की आपके पास डेथ होंगी, मोर्टैलिटीज होंगी जो कि टेम्परेचर की वजह से होंगी, जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से होंगी। इसी तरह डेथ्स, इंजरीज और इन्फेक्शियस डिजीजेज और स्किन डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा आपके पास मैल न्यूट्रिशन, यानी बच्चों में और बड़ों में जो है वो आपके पास न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, वो इस तरह की फूड यूटिलाइज करते हैं। देखिए अगर आपका एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो ऑब्वियसली जब उस एग्रीकल्चर को आपके बच्चे या आपके बड़े अडल्ट जो हैं वो उसको यूज़ करेंगे अपना खाएंगे फूड के लिए, तो ऑब्वियसली अगर उसमें इंसेक्ट्स हैं या उसकी वो एग्रीकल्चर की क्वालिटी इतनी, क्रॉप की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो आपके पास जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी हेल्थ जो है उनमें न्यूट्रिशन की कमी आएगी, उनमें जो इस तरह की डिजीजेज होंगी जो फूड की वजह से फूड बॉर्न डिजीजेज होंगी, और जो क्योंकि वाटर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है तो फिर वाटर बॉर्न डिजीजेज होने के भी चांसेज हैं। इसी तरह जो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका जो रिस्क है ऑफ डेथ, इंजरीज और डिजीजेज जो है वो आपके पास जो है वो बढ़ जाता है, उसके चांसेस जो है हमारे पास बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट थे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आपके पास इफेक्ट्स हो रहे हैं। आज का लेक्चर जो है आपका यहीं तक था, जिसमें मैंने, क्योंकि डिटेल में मैं ग्लोबल वार्मिंग में नहीं गई, आपको बहुत सारा उसके डिटेल में कौन कौन सी गैसेस हैं, किस तरह से वो वर्क करता है, इफेक्ट वो बहुत दफ़ा आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ मैंने उसके इफेक्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस किया है कि आपके जो इकोलॉजी के लिहाज से आपके एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और इकोसिस्टम में वो किस तरह से आपको जो है वो इसका सिस्टम को डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग आज के लेक्चर से रिलेटेड कर सकते हैं, काफी ब्रीफ सा ही लेक्चर जो है वो मैंने रखा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि ये जो है आप लोग काफी दफा पढ़ चुके हैं, कार्बन बैलेंस भी पढ़ चुके हैं, इस तरह की चीजें, तो सिर्फ उनको इंटरलिंक करके मैंने बताया कि उनका कनेक्शन क्या है, किस तरह से एनर्जी और कार्बन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है आपस में इफेक्ट इंटरलिंक्ड है, और किस तरह से उनकी वजह से जो है वो इफेक्ट जो है आपकी इकोलॉजी पे पड़ रहा है। इकोलॉजी में आपके पास जो है सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, ठीक है, जो आपके पास वाटर, आपके पास, क्योंकि हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं, आपके पास सॉइल, वाटर, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी आपके पास इकोलॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि आपके इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर में इंक्लूड होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना माइक्रोफोन ऑन करके, अदरवाइज आप अपने अटेंडेंस के मैसेजेस चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, अपनी अटेंडेंस के मैसेजेस सब चैट बॉक्स में सेंड कर दें। और इसके अलावा किसी का आज के लेक्चर से या किसी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो हैं अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग अपने लेक्चर्स पिछले भी देख सकते हैं, तो तो कोई क्वेश्चन हो आपका रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर, जितने भी लेक्चर हो चुके हैं। तो अभी तक यूनिवर्सिटी फ्राइडे है आज, अभी तक यूनिवर्सिटी ने जो है अपनी कोई वेकेशन, ईद वेकेशंस भी अनाउंस नहीं की और ना ही कोई मिड टर्म की पॉलिसी भी अनाउंस की है। तो जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो ऑब्वियसली आप सबको पता चल जाएगा, तो आप सब जो है अपनी प्रेपरेशन करना जो है वो स्टार्ट कर दें। सारी जो स्लाइड्स हैं वो सब इंक्लूडेड होंगी इसमें। जो मैंने आपको बता दिया है कि जो पोर्शन जो है केस स्टडीज जो है उनको आप डिटेल में जो है वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था, तो उससे उस तरह जिस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया है उससे रिलेटेड आप लोग अपनी प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दें। और मीन वाइल आप प्रिपेयर करें, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप लोग जो हैं मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर हम आज का जो अपना सेशन है उसको क्लोज करते हैं। मैम खिजर का नेट ऑफ हो गया, वो कहता मेरी अटेंडेंस लगा दें। ठीक ठीक है, चैट बॉक्स में आप सेंड कर दें। मैम, कल वाले जो रिकॉर्डेड सेशन है उसकी वीडियो तो अपलोड कर दें। यस कल वाले की अपलोड करूं? मैम। अच्छा मैं देखती हूँ, थोड़ा सा आज मेरा भी नेट का इशू बहुत मेरा कर रहा था, ये अभी तो लेक्चर हो गया तो डाउनलोड हो जाएगी तो मैं फिर उसको कर दूंगी, क्योंकि फाइल जो है वो काफी बड़ी होती है MBs में, तो जैसी नेट अवेलेबल उसकी अवेलेबिलिटी सही होगी तो फिर मैं उसको करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है जी, सबने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए हैं तो फिर हम आज का जो अपना सेशन है उसको एंड करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।